हर बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर कांग्रेस को निशाने पर ले ही डाला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बजट सेशन में दी गई स्पीच पर अपनी बात को रखते हुए नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस की नीति, विचार और काम का जिक्र किया। कांग्रेस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि हमें गांधी वाला भारत चाहिए, मुझे भी गांधी वाला भारत चाहिए, क्योंकि गांधी ने कहा था कि आज़ादी मिल चुकी है और अब कांग्रेस की कोई ज़रूरत नहीं है, कांग्रेस को बिखर जाना चाहिए। कांग्रेस मुक्त भारत मोदी का नहीं, गांधी का विचार है। हम केवल गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस से व्यंग्यात्मक सवाल करते हुए उन्होंने कहा, आप कहते हैं कि हमें तो वो वाला भारत चाहिए, क्या सेना पनडुब्बी घोटाले वाला भारत चाहिए, बोफोर्स घोटाले वाला भारत चाहिए, हेलीकॉप्टर घोटाले वाला भारत चाहिए, आपको इमरजेंसी वाला भारत चाहिए, जेपी मोरारजी को देश में बंद करने वाला भारत चाहिए, लोकतांत्रिक अधिकार छीन लेना, अखबारों को बंद कर देने वाला भारत चाहिए, आपको वो भारत चाहिए जहां रसूखदार लोगों के आगे प्रशासन घुटने टेकता हो, हजारों लोगों की मौत के जिम्मेदार को विमान में बिठाकर देश के बाहर ले जाया जाए, वो भारत चाहिए। अब प्रधानमंत्री मोदी की इस टिप्पणी से साफ जाहिर है कि वो कांग्रेस पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते।